दोस्तों मैं एक बार टर्निंग रेडियस ट्रैक्टर का चेक करा दूं आपको थोड़ा सा। दोस्तों स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। दोस्तों आज आपके सामने है जॉन डियर की तरफ से आने वाला बहुत ही दमदार ट्रैक्टर है, छोटा सा। दोस्तों बात करेंगे इस ट्रैक्टर के फीचर, कीमत, क्या क्या काम ये ट्रैक्टर कर लेता है। बिल्कुल छोटा सा दिखने वाला ट्रैक्टर और जो इसमें फीचर हैं वो कमाल के फीचर हैं। दोस्तों इंजन जो है इसमें वो भी बहुत बढ़िया तरीके का, एक अलग टाइप का इंजन है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी शो खोलने के बाद। पहले हम दोस्तों इसका बोनट देखेंगे, सिंगल पीस बोनट आता है। ऊपर हमारे को इसमें क्रोम में एंटीना मिल जाता है, छोटा सा शार्फिन एंटीना मिल जाता है। दोस्तों एरोडाइनमिक शो मिल जाती है, जो कि पीछे को पीछे से ऊँची आगे से थोड़ी सी नीची है, जिससे ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के सामने से दिखाई बहुत ही बढ़िया देता है। दोस्तों अगर बात करें लाइट की, तो यहाँ हमारे को इस तरह की लाइट मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया हैलोजन बल्ब के साथ, और जॉन डियर का लोगो मिल जाता है जी। यहाँ पर बम्पर लगाने के लिए जो हमारे जो एक हाउसिंग बनी हुई है, काफ़ी बढ़िया सलेंसर आ जाता है। यहाँ फ्रंट एक्सल बेवल गियर वाला आ जाता है। दोस्तों इसमें सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग आ जाता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं धीरे धीरे पीछे की ओर, इस तरह का लुक ट्रैक्टर में दोस्तों हमारे को मिल जाता है। अगर हम साइड की बात करें तो इस तरह का लुक मिल जाता है। अगर टायर साइज़ की बात करें, पीछे 9, 5, 24, आगे हमारे को इसमें 6, 14 के टायर दोस्तों इसमें मिल जाते हैं। अगर बात करें स्टिकर की, तो जॉन डियर 3036EN ट्रैक्टर का मॉडल, कॉलर शिफ्ट रिवर्स, कॉलर रिवर्स V2, इस तरह के स्टिकर हमारे को ट्रैक्टर के ऊपर मिल जाते हैं। एक बार ट्रैक्टर का जो है हम बोनट खोल के देख लेते हैं, जो इंजन है हमारे को दोस्तों वो किस तरह का मिल जाता है। तो इस ट्रैक्टर का जो बोनट है वो खोलना बहुत ही आसान है। एक बार हम यहाँ से खींचें और बड़े आराम से ट्रैक्टर का जो बोनट है, सिंगल पीस बोनट, ऊपर उठ जाता है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो जॉन डियर ज़्यादातर इंजन जो है खुद ही बनाती। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के डिज़ाइन की, तो ये दोस्तों नॉन टर्बो इंजन है, नेचुरल एक्सपेटेड इंजन हमारे को इस ट्रैक्टर में मिल जाता है। ऊपर का लुक ट्रैक्टर का जो है दोस्तों इस तरह का, ओवरफ्लो इधर वायर मिल जाता है। यहाँ पर हमारे को इसका जो मफलर है वो अंदर ही मिल जाता है। और अगर बात करें रेडिएटर की, तो ये पूरा बड़े फुल साइज का रेडिएटर मिल जाता है। ड्राई टाइप का एयर क्लीनर मिल जाता है, चोकिंग सेंसर के साथ। छोटी सी इस ट्रैक्टर में हमारे को बैटरी मिल जाती है आगे, जो कि वेट का काम भी करती है और साथ में सेफ भी है अंदर। इसमें दोस्तों हमारे को मिल जाता है जी इन लाइन पम्प, 3 सिलेंडर इंजन है, जहाँ से हम अपना तेल इसमें ऑयल डाल सकते हैं। एक फ़िल्टर यहाँ आ जाता है, एक फ़िल्टर हमारे को दोस्तों डीजल फिल्टर जो है वो यहाँ आ जाता है। तो दोस्तों एक बार इंजन का जो लुक है वो इस तरफ से भी चेक कर लेते हैं। इस तरफ से दोस्तों हमारे को इंजन जो है वो इस तरह का मिल जाता है, छोटा ही सी, बिल्कुल छोटा सा सेल्फ है इसका, एक नए डिजाइन का ये सेल्फ है। ज़्यादातर ये सेल्फ इस तरह के हमारे यहाँ इंडिया में नहीं आते। यहाँ हमारे को जो अल्टीनेटर इसका जो मिल जाता है काफ़ी बढ़िया, ठीक है। डबल पंप मिल जाते हैं दोस्तों हमारे को इसमें, जैसे पावर स्टीयरिंग का अलग और लिफ्ट का अलग। लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें, तो हमारे को इसमें 9 क्विंटल की लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाती है। अगर दोस्तों हम बात करें इसकी फ्रंट एक्सल की, तो ये डाना कंपनी का फ्रंट एक्सल मेड इन इंडिया लिखा हुआ जी वो मिल जाता है। दोस्तों अगर बात करें SFC की, तो हमारे को इस ट्रैक्टर में 207 ग्राम पर HP के हिसाब से SFC मिल जाती है। अगर दोस्तों बात करें PTO HP की, तो इसमें हमारे को किलोवाट में लिखी है, इसमें 27.87 HP की जो मिल जाती है PTO पावर, साफ साफ लिखा जी 27.87 HP, लगभग 28 HP की, ठीक है। अब दोस्तों बात आ जाती है ट्रैक्टर के इंजन की पावर की, तो दोस्तों इस ट्रैक्टर में हमें 36 HP का 1500 cc
2800 रेटेड आरपीएम वाला इंजन मिल जाता है। बाकी दोस्तों जैसे मैंने पीटीओ एचपी आपको बता दी 28 एचपी की, कुछ लोग 31 भी कहते हैं लेकिन लिखी हुई मैंने साफ दिखा दी 28 एचपी की, ठीक है दोस्तों। और इस ट्रैक्टर में जो डीजल का टैंक हमें मिलता है वो दोस्तों हमें मिल जाता है 32 लीटर का। बोनट एक बार बंद कर लेते हैं, एक बार ट्रैक्टर के ऊपर बैठ चलते हैं। ऊपर बैठने के लिए हमें सिंगल स्टेप मिल जाता है, सिंगल क्लच डायफ्राम टाइप का जो हमारे को इसमें सिंगल क्लच मिल जाता है। ये दोस्तों जो लीवर है हमारा 4x4 का, ट्रैक्टर में जैसे मैंने आपको बताया बड़े ट्रैक्टर वाले फीचर जैसे कि डिफरेंशियल लॉक भी मिल जाता है। ट्रैक्टर चाबी से ऑन होता है, चाबी से ही बंद हो जाता है। अब चलते हैं ऊपर, सीट मिल जाती है काफ़ी बड़ी ट्रैक्टर जैसे। तो दोस्तों यहाँ से ट्रैक्टर का जो लुक है वो इस तरह का हमें मिलता है। छोटा सा स्टेयरिंग मिल जाता है काफ़ी बढ़िया। दोस्तों ये जो गियर है ये शटल शिफ्ट गियर है, साइंक्रो शटल शिफ्ट गियर। जिस गियर में आगे उसी गियर में हम यहाँ से इसको पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे को हजार बटन आ जाता है, हाथ वाली रेस जो है हमारी वो यहाँ आ जाती है, पैर वाली रेस यहाँ नीचे। तेल में डूबी हुई ब्रेकें मिल जाती हैं, क्लच सिंगल। और दोस्तों अगर गियर बॉक्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4 और ए बी यानी कि हाई लो, मान लो जी 8 आगे के और 8 ही पीछे के गियर मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब बात आ जाती है हमारे पीटीओ की। पीटीओ पावर मैंने आपको बता दी, पीटीओ के चक्करों की बात कर लेते हैं। 540 इकॉनमी और 540 स्टैंडर्ड। जैसे कि 540 ई में इंजन के चक्कर रहेंगे लगभग 1900 और 540 चक्कर पूरे हो जाएंगे। यहाँ करेंगे पीछे तो लगभग 2400 चक्कर रहेंगे ट्रैक्टर के और 540 चक्कर पूरे हो जाएंगे 2400 चक्करों पर, ठीक है जी। दोस्तों कटआउट वगैरह जो नीचे आ जाता है, यहाँ थोड़ा सा गियर बॉक्स जो उठा हुआ है बम्प टाइप का बीच में से आ जाता है, बिल्कुल फ्लैट नहीं है। यहाँ से हमारा जो गियर ऑयल जो है वो पीछे पड़ सकता है। दोस्तों लिफ्ट की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया कि बड़े ट्रैक्टर वाले फीचर हैं, दोनों लीवर मिल जाते हैं। इस डीसी लीवर पीसी लीवर दोनों इस ट्रैक्टर में हमें मिल जाते हैं। नीचे जा के देखते हैं ट्रैक्टर में और कौन कौन सी चीज़ें हमें इसमें मिल जाती हैं। लिफ्ट की जो सेटिंग है, लॉक वगैरह जो है वो यहाँ सीट के नीचे आ जाता है। सीट एडजस्टेबल इसमें नहीं मिलती, एक आधा इंच सिर्फ आगे पीछे होती है, क्योंकि ट्रैक्टर में जो पीछे की जो जगह है दोस्तों वो पूरी पूरी सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। दोस्तों पीछे का लुक अगर चेक करें तो इस तरह का ट्रैक्टर का पीछे का लुक हमें मिल जाता है। लिफ्ट कैपेसिटी दोस्तों मैंने आपको बता दी इसकी 9 क्विंटल की। 3-पिन सेंसिंग मिल जाती है। अगर बात करें पीटीओ की, पीटीओ की स्पीड पावर मैंने आपको बता दी 28 एचपी, 6 प्लान वाली जो मिल जाती है इसमें, स्पीड भी बता दी 540 ई और 540। हुक जो है ट्रैक्टर की वो नीचे आ जाती है, काफ़ी नीचे है क्योंकि छोटा जो इम्प्लीमेंट है वो चलेंगे। दोस्तों कंपनी का कहना है कि 9-10 का कल्टीवेटर इसकी ट्रैक्टर जो है वो चला सकता है, साथ साथ की हैरो भी खींच सकता है। 3600 पावर का ट्रैक्टर है। दोस्तों अगर पिछले हिस्से की बात करें तो ये इन बोर्ड रिडक्शन वाला पिछला हिस्सा इसका मिल जाता है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। प्लानेटरी भी नहीं है, स्ट्रेट भी नहीं है, ये अलग चीज़ होती है दोस्तों। आगे से गरारी ऐसे करके यहाँ पीछे आती है, जैसे कि आप मान लो कि न्यू हॉलैंड वगैरह ट्रैक्टरों में जिस तरह से आप समझते हो कि अगर उस तरह का कुछ सिस्टम बाहर होता है इसका अंदर होता है, कुछ उस तरह का। दोस्तों अगर बात करें ट्रैक्टर के प्राइस की, फीचर वगैरह दोस्तों ट्रैक्टर में हमने देख लिया, एडजस्टेबल सीट इसमें नहीं मिलती, रिफ्लेक्टर पीछे और लाइट काफ़ी बड़ी आ जाती है, इंडिकेटर जो हैं वो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, नीचे रिफ्लेक्टर आ जाते हैं। दोस्तों इधर से अगर चेक करें तो ट्रैक्टर का व्यू, अगर हम बात करें दोस्तों इसके लाइट की, यहाँ एक लाइट लगी हुई है, नीचे लगेगी नंबर प्लेट। दोस्तों ट्रैक्टर के जो साइज है ट्रैक्टर का वो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का छोटा सा, लेकिन पावर जो है वो ट्रैक्टर में पूरी है। हैंड ब्रेक हमें जो है वो यहाँ मिल जाती है। दोस्तों ट्रैक्टर में एक चीज़ और है, आप देख लो कि जिस तरह से कुबोटा ट्रैक्टर में भी आती है सपोर्ट, आगे से लेके पूरी यहाँ तक ये सपोर्ट जो है इसमें लगी हुई है। और दोस्तों अब बात करेंगे ट्रैक्टर के मेन पॉइंट यानी कि ट्रैक्टर की कीमत की। दोस्तों आज के समय में 7.5 लाख के आसपास कीमत है ट्रैक्टर की। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये फिक्स कीमत नहीं है,
आप यहाँ शोरूम पे आके बार्गेनिंग करके उसको एक सही मूल्य में ला सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करो दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो दोस्तों, हमारा उससे हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों शोरूम पे आके वीडियो बनाना मेहनत लगती है, नए नए ट्रैक्टर ढूंढ के लाने पड़ते हैं दोस्तों आपके लिए। आपको कौन से ट्रैक्टर की आने वाले समय में वीडियो देखनी है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बना सकूँ। दोस्तों वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई मेरी तरफ से कमी छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो। वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।